ऑफिशियल बिल्कुल प्रो इंडिया के तर्ज पर एक कबड्डी का आयोजन है और इसके लिए मैं बहुत पहले उन्होंने वुमेन्स कबड्डी प्रीमियर लीग भी संपन्न कराया था। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ कबड्डी में दुर्गेश नेताम ने यूपी योद्धा की टीम में शामिल होकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था और शानदार मेडल के रूप में जाना जाता है। संस्कार मिश्रा को बेहतरीन खेल के लिए जाना जाता है। मैं सामने अतिथियों से बहुत ही निवेदन के साथ अपना करूंगा, इन खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद देंगे, इन खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे, इनका मनोबल बढ़ाएंगे। प्लीज आदरणीय धर्मनाथ कौशिक सर, लोकप्रिय विधायक, बिहार विधानसभा पूर्व छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष, साथ में आदरणीय अशोक चौधरी जी, आदरणीय डॉक्टर कालीचरण मैडम जी, आदरणीय साहू जी भाई और वरिष्ठ प्रशिक्षक ताइक्वांडो संघ के बहुत ही जाना हुआ नाम आदरणीय रामप्रीत गोस्वामी जी, डॉक्टर शंकर यादव जी, हेमंत यादव जी, इस आयोजन समिति के चेयरमैन, सबसे निवेदन है बहुत ही सम्मान के साथ। सहायक संचालक साथी कमेंटेटर राजजी एवं साथ ही मंच से अदाड़ी भैया जी, नौवे संस्करण छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का मेगा फाइनल मुकाबला जहां दोनों टीम इस समय आपने सामने है। सिक्का गिरा जरूर मेरी के पक्ष में, लेकिन सिक्का गिरने के साथ तो डिफेंस का चुनाव किया, लेकिन पहला रेट तो एमटी हो गया। एमटी होने के साथ नंबर 9 गोविंदा का क्या शिकार छूट गया है, पहला शिकार ढूंढ लिया शुभम, जिस कद का ठीक है उसका पूरा फायदा ले लिया और पहला अंक जा रहा है। तमाम कबड्डी के चहेते दर्शक, साथी मंचासीन सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ इस छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2024 का यह सबसे बड़ा पंगा और सबसे बड़ा ये जीरो और एक के मुकाबले अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत जहां हरिकेन पैसन मुंगेली वो कर ली है, दूसरी ओर पहले अंक की तलाश वो है कवर्धन सुपर किंग के लिए। आपका इस समय दोनों टीमों ने अंक बनाने के सिलसिले के एक अंक पर भाई हरिकेन पैसन मुंगेली एक अंक पर दो ढाई का और एड अजय कुमार मरावी नंबर 7 के जर्सी के साथ।
करने के लिए? सबसे बड़ा पंगा और ये पंगा की बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जो दबाव को झेल जाएगा इस मुकाबले में वो सरताज अपने सर साजेगा, क्या ऐसा कर जाएगा, जो घर लगा वो परिचय देगा, जो साहस का परिचय देगा इस मैदान के ऊपर सबसे बड़े पंगे में। और तीसरी चीज का जो मुकाबला है, ऊर्जा को संचार ऊर्जा को बचा के भी तो रखने होंगे खिलाड़ी को। हालांकि खेल के शुरुआत से पीछा जरूर रहा है, हरिकेशन पैसन मुंगेले के विरोध में कवर का सुपर किंग की वो टीम, लेकिन अभी भी साथ खिलाड़ी मैदान के ऊपर घेराबंदी क्या छूट जाएगा इस मतलब आपको अगर आप आउट की हो जैसे डिसीजन आता है आपको लाफी लाइन का यूज करने रहते हैं और आपने गलत तरीके से लाफी लाइन का यूज किया, एक वार्निंग। हालांकि इस समय वो रेडर को सेफ करा दिया, शुभम पहला अंक अपने टीम के लिए सुनिश्चित किया और उसकी कद काठी जिस तरीके से है लंबा इस खाली हाथ कितना पसंद किया शुभम निर्वाचन ने। फिर एक बार अजय मरावी जिसके कंधे पर वो रेड की जवाबदारी है, जोखिम भरा रेड, इसलिए उनके साथी खिलाड़ी और हर रेकअप होना उस बलहत को लगातार बला डुआ डाई रेड थर्ड रेड डिसाइडेड रेड है, करो या मरो का रेड है। छह का डिफेंस मैदान के ऊपर, दो दो की ओर घेराबंदी कबड्डी का और कोर्ट के ऊपर मैदान के ऊपर कवर्धा के कोर्ट के ऊपर एक मरतबा थोड़ी सी उतावलेपन में जरूर दिखा लेकिन अपने आप को भेक खींचा डिफेंडर रिहान ने। फिर एक बार कमाल की आस पास की दूसरी मरतबा इतनी हवा की कह इस फाइनल पंगे में जिस तरीके से उनके पास सुपर स्टार गोविंदा सिधार है और उनका जो कबड्डी का अनुभव लगातार छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग का नवा सीजन खेल रहा है, उनको थोड़ी सी अपने खिलाड़ियों को समझाई देनी चाहिए। जब कभी भी आवश्यकता आन पड़े तो टाइम आउट ले और टाइम आउट लेने के साथ फिर एक बार अजय मरावी चार खिलाड़ी डिफेंस इस समय मैदान के ऊपर शुभम निर्वाचन लेफ्ट इन के रेडर और हालांकि शुरुआत में वो सिदार जैसे ही गलती हुआ था टेकल में डाई लंबा डाई हो गया था लेकिन उसमें पुनः एक बार सुधार के साथ साहस और जज्बे और जुनून का जो इस समय परिचय देगा बिल्कुल उनके सर ताज देगा लेकिन क्या ऐसा कर जाएगा। सुपर किंग कवर्धा चाह रही है ऐसा होना चाहिए लेकिन पर अभी भी 20-20 का जो मुकाबला आएगा वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस सबसे बड़े लड़ाई में। और अंत में हाई कबड्डी के जरिए 5 अंक पर जा रहा है हरिकेन पैसन मुकाबले और कवर्धा किंग 4 अंक पर। हेलो हेलो साउंड मास्टर भाई साहब माइक सेट कर दीजिए, बैटरी चेंज कर दीजिए दोनों माइक का। ध्यान देंगे साउंड सर्विस वाले भाई बिना कमेंट्री और बिना रनिंग कमेंट्री के ये फाइनल दर्जे का मुकाबला जो है संभव नहीं है, तत्काल उसे व्यवस्थित कर। दर्शक एक बार जोरदार ताली बजाएं खिलाड़ियों के लिए। डुआ डायरेक्ट आ गया है फाइनल मैच कर रेट पर। खिलाड़ी दूर दूर से आकर आप लोगों का एक शानदार मनोरंजन के साथ साथ एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आगे की कमेंट्री करने के लिए भाई पीतम्बर पीतम्बर भाई इशारा जरूर हुआ 6 अंक पर जा रहा हरिकेन पैसन मुंगेले की टीम उस बोनस के जरिए, मगर वो फिल्म का स्टार और इस समय मैदान पर क्या स्टार बन जाएगा गोविंदा सिधार। रेड पर है 5 का डिफेंस और जिस दर्जे का वो खिलाड़ी है और जो उनके पास अनुभव है और अनुभव 9वें सीजन का अनुभव क्या अपने नाम कर जाएगा। सिधार 5 का डिफेंस छटा रहे राइट के रेडर थोड़ी से एंकर
पर्दे में था लेकिन अंत में अपने आपको खींचना पसंद किया। शुभम निर्माकर जिस समय सोने पे सुहागा हो गया अपने टीम के लिए और एक एक कण सोने के माफिक दिख रहा है इस मैदान के ऊपर तमाम कबड्डी के चहेते दर्शक, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लीग को देखने के लिए आप सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ इस मैदान के ऊपर। लाल बहादुर शास्त्री का ये मैदान जहाँ तमाम अतिथियों का और मंच इस समय भरा हुआ आप सभी के आतिथ्य में बिलासपुर शहर गौरवान्वित हुआ है कबड्डी खेल के लिए। फिर एक बार पांच करी खुश मगर दुआ डाई करे बोला साफ है अंदर जाने होंगे कैसे छूट जाएगा लेकिन विकास हो गया है। जितनी तेजी से झपाटा मारा रेडन ने लेकिन डिफेंडर को तालमेल बैठा है डिफेंडर ने बिल्कुल सफलता हाथ लगाई डिफेंस को हरिकेन पैसन मुंगेरी के टीम को 7-4 के मुकाबले 3 अंक से पीछा गया इस समय 10 मिनट 17 सेकंड का खेल लगभग पहला हाफ का खेल रह गया है और हालांकि अंक का अंतराल ज्यादा नहीं क्योंकि वो लीड ज्यादा नहीं है उसकी भरपाई कभी भी किया जा सकता है इसकी बात तो लगातार हेलो मुसीबत में इस समय रेडा जरूर है लेकिन वो सब कुछ भूल के इस समय शुभम निर्मल कर लेफ्ट विंग के रेडा लगातार है कि कॉल में सभी को वही से वो कैच पूरा होते नजर आया 5-7 के मुकाबले 2 अंक से अभी भी पीछा रहा सुपर किंग कवर था लेकिन वो पहले हाफ का खेल है 5-7 के मुकाबले 2 अंक की और बढ़त जरूर है छोटी सी बढ़त जरूर है लेकिन वो सब कुछ भूल करके हजारों वाली का शिकार खुल गया है यहाँ पर। इतनी हड़बड़ाहट क्या है 20-5-20 का वो मुकाबला है। फिर एक बार विशाल का बुलावा हो गया सामने साहू जी के पास और उनको एक हिदायत कि आप पांच करीब खेल आइए और बिल्कुल रणनीति किसकी मैदान के ऊपर चलेगी जिस तरीके से अंकों की बड़ी पढ़त दोनों टीमें के सामने बना नहीं पा रहा है या तो रिप्लेसमेंट कोई भी एक बड़ी बात बना नहीं पा रहा साथ को कवर था सुपर किंग अंतिम हेलो हेलो अंतिम और मेगा मुकाबला कवर था किंग्स विरुद्ध हरिकेशन मुंगेर और समय शिलार प्राप्त के ऊपर जहां 3 अंकों की लीड हरिकेन पैसन मुंगेली के पास दूसरी और विशाल नंबर 6 के जर्सी के साथ जहां 5 का डिफेंस है इस समय कवर्धा किंग्स के कोर्ट के ऊपर 2 खिलाड़ी इस समय पवेलियन पर विश्राम कर रहे हैं। अंतिम और मेगा मुकाबला है पहले हाफ का खेल है इस समय और 3 अंकों की लीड वो लेकर के चल रहा है हरिकेन पैसन मुंगेर अंतिम और मेगा मुकाबले में छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का कौन उस हीरो होगा स्टार कौन होगा गोविंदा सिदार आइए पोटे जी। बिल्कुल मैदान के ऊपर क्या बन रहा है दोनों टीम थोड़ी समय गेम को स्लो जरूर कर लेकिन पहले ही हाफ पर एक तरफ सुपर किंग चाह रहा है कि हम जिस अंक से पीछा रहा है लेकिन गेम दिखाया गेम का शिकार बिल्कुल गोविंदा ने सुनिश्चित किया और सातवें अंक पर पहुंच
मार्किंग कवर था के टीम छह और आठ के मुकाबले थर्ड रेड ऑफ हिटर की आवाज और भोपू की आवाज ये कह रहा है कि आप मुसीबत में हैं और आप उसको सुलझाइए। पांच का डिफेंस बोला साफ है, गहराई में उतारिए, समंदर को पास कीजिए और नौ एन पर जा रहा है डिफेंस के बदौलत। हरिचंद पैसन मुगेली के ओटेम, भाई कोबल मरावी के ओटेम, दूसरे तरफ वो खान जी के टीम हाली के पीछे में है, लेकिन दूसरे हाफ का जब खेल आएगा तो रणनीति किसकी सही साबित होगी। और रेडर ये चाह रहे हैं कि ऊर्जा को बचा के रखा जाए, दूसरे हाफ में अगर हम तो यूज करें जिस तरीके से उनके पास वो अनुभव है। हालांकि शुभम निर्वाकर का अभी भी जादू चला है और जादू चलने के साथ वो लगातार रेड को अपने जिम्मेदारी पूर्वक किया है। हालांकि वो दो अढ़ाई रेड में एक बार फंसे भी है, लेकिन वो सब कुछ भूल करके आपको लगातार वो 40 मिनटों का जो खेल होगा वो सब कुछ झोंक देना होगा, पूरा ताकत को झोंक देना होगा, पूरा ऊर्जा का संचार करना होगा। अगर वो सबसे बड़े ट्रॉफी और सबसे बड़ा मंच और कौन बनेगा सरपंच, इसका इंतजार सभी कबड्डी प्रेमी चेहरे दर्शक कर रहे हैं। और दो दिन इस समय मुंगेरी की तमाम दर्शक चाह रहे हैं कि हमारी टीम जीते और सुपर किंग कवर था के भी चाहते दर्शक चाह रहे हैं कि हमारी टीम जीते। इस समय निर्मलकर की ओर है लेफ्ट हैंड के रेडर, दूसरे चोर पर पैर चलाया, अभी पांच का डिफेंस और थोड़ी सी गहराई में उतरने के साथ डिफेंस को हिलाने डुलाने के साथ आइए वंदन सिन्हा जी ताली बजाइए और गर्मी को बजाइए और कबड्डी के गर्मी को आप बिल्कुल इस मैदान के ऊपर देख रहे हैं। हालांकि 47 डिग्री में इस आयोजन का आयोजन कराया गया, लेकिन आज कुछ मौसम भी साथ दिया इस आयोजन को कराने के लिए, थोड़ी सी हवा की लहर जरूर ठंडकता प्रदान कर रही है। और छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2024 का अंतिम दिन अंतिम पन्ना जहां दो टीम आमने सामने है, 6-9 के मुकाबले 3 अंक की बढ़त है इस समय, बढ़त है मुंगेली के पास, हरिचंद पैसन मुंगेली के पास। बहरहाल सिद्धार्थ जी लगातार रेड किया जरूर है, अंकों वाली रेड नहीं डाला है अभी क्या चाह रहा है, थर्ड रेड डू ऑर डाई रेड, तीसरे रेड पर दोनों टीम जा जरूर रहा है, लेकिन कब तक कब कौन खिलाड़ी सुपर रेड डाल जाएगा, एक के छूट गया तो सुपर किंग का वन था बैक फुट पर जाएगा, लेकिन ऐसा जब तक रेहान खान मैदान के ऊपर है फिर एक बार रेहान खान गए। इसी की तो चर्चा हो रहा था, एक से एक के हेलो 11 आउट का इशारा हो गया है, एक ही अंक दिया गया, हालांकि मांग दो अंक और रेहान ने खुद वो जवाबदारी लिया कि मैं एक मरतबा उसको टार देगा, उसको ये लगा मुंगेली के डिफेंडर को कि रेहान पहली मरतबा रेड के लिए खेल का तुरंत शरीर को मोड़ा खींचा। फिर एक बार 6 का डिफेंस, अब 8-10 का मुकाबला हो चला है, बहुत बड़ा वो मुकाबला जहां 1 लाख रुपया की वो राशि और जो चमचमाती ट्रॉफी है, कौन से कप्तान उस ट्रॉफी को चूमेगा, क्या वो मुंगेली की धरा पर जाएगा या फिर कवर्धा की वो धरा पर जाएगा, इसकी वो लड़ाई सुनील की तरीके से लड़ा जा रहा है, एक एक पायदान एक एक अंक की वो लड़ाई इस पसीने के जो बूंद है उसे लिखा जाएगा, अब कौन सी टीम उस पर अपना वो नाम लिखेगा उसकी लड़ाई। और पहले हाफ का खेल के मुकाबले में 8-10 के मुकाबले में 2 अंक से ही पीछा गया है हरिकेन पैसन के विरुद्ध में सुपर किंग कवर्धा के टीम के ऊपर शिकार क्या तरीके से थोड़ा अजय मरावी ने 9-10 बड़ी बढ़त में तब्दील नहीं होने दिया, अर्थात ऑल आउट को ऑल आउट के लिए जाने नहीं दिया सुपर किंग कवर्धा ने, यही सबसे बड़े उनकी खेल की खूबसूरती है और उसको लगातार बनाए के रखा है कि कौन ना कर सकते सिद्धार्थ ऊपर
हवा बोला जरूर, लेकिन अंत में अपने आप को बैक खींचा और किसी तरीके से और टेबल के लिए जाना मुनासिब नहीं समझा। जिस तरीके से इस समय 9-10 के मुकाबले एक ही अंक से पिछड़ा है सुपर की, एक अंक की बढ़त मुंगेली के पास है। अजय मरावी लेफ्ट हैंड के रेडर लंबा डाल, क्या सफलता हाथ लग गई, नहीं का मान जरूर हो रहा है लेकिन लाइन को टच किया रेडर ने और अंत में एक अंक अब सुनिश्चित हो चला है। तो डाल मैं पांच पांच 10-10 अंकों पर, ढाई अंक पर दोनों टीमें। आइए वंदन सिंह राज जी दो अढ़ाई का हाथ लगेगी। ऑफिशियल टाइम आउट का बुलावा, इक्वल का मुकाबला 10 और 10 के मुकाबले। किंग्स और हरिकेन पैसन मुंगेली दोनों टीमें की स्थिति में, दोनों ही योद्धा कवर्धा किंग्स और मुंगेली पे ज्यादा संख्या पे मौजूद हैं, उनका पक्ष थोड़ा भारी लग रहा है। सम्मान्य अतिथि महोदय फाइनल मुकाबले का आनंद उठा रहे हैं, मंच पर बैठे हुए हैं। कबड्डी का खेल गरमा रहा है, मैच गरमा रहा है, 10-10 अंकों के साथ दोनों टीम बराबर पर है सर जी, और 2-2.5 का रेट शुभम निर्मल कर ले रहा है। क्या डांस दिया बोनस के लिए, क्या साफ सुथरे तरीके से बोनस किया, इसके लिए थोड़ी सी सर्टिफाई के लिए जरूर दूसरी मरतबा सुनिश्चित हो रहा है और बोनस के अंक के जरिए बढ़त पर जा रहा है। मामूली सी बढ़त, एक अंक की बढ़त 10-11 के मुकाबले इस समय हरिकेन पैसन मुंगेली के पास है। वो बढ़त तीन का डिफेंस, सुपर टैकल का मौका, क्या स्किल हो जाएगा, जर्सी पुलिंग का खेल इशारा होगा और वो इशारा क्या शुभम निर्मल कर के लिए ना हो जाए। आगमन हुआ है, वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा प्रदीप यादव जी से, पंकज तिवारी जी का मैच लगाकर स्वागत करेंगे और पुष्प गुच्छ भेंट करके भी। ग्यारह पर कवर्धा पा रहे अपने आप को मुंगेली, और दो खिलाड़ी रह जाएंगे अगर ये दोनों टीम कैप्टन ध्यान दे, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोच चेंज कर लें। बराबर अंकों के साथ दोनों टीम कोर्ट बदल रहे हैं। दिलचस्प, आप लगातार अपने जगह से इस मैच का लुत्फ ले, रोमांच उठाए, लुत्फ उठाए पहले हाफ में, लगातार लेकिन अंत में उन्होंने को लगातार टाल के रखा और टालने के साथ अब 20 मिनट तक खेल जैसे गुजरा पहला हाफ का, तो मैच अंत पर आ गई, बराबर पर आ गई। खतरा मंडराने जा रहा है, ये तो दे जाती है कहीं तो मुसीबत में फंसती नजर आएगी। सातों के साथ है के लिए दूसरे हाफ का हेलो, दूसरे हाफ का पहला रेड ले रहा है, हालांकि सिक्का इनके पक्ष में गिरा था, मुंगेली के पक्ष में गिरा था और मैं जिस तरीके भैया ऑफिशियल एक मिनट, एलईडी डिस्टर्ब हो रहा है, सामने वाले एलईडी बंद हो गए हैं। कृपया दर्शक दिदा से हमारा करवंत निवेदन है, शांति प्रवर रहा, जिन्होंने बेहतर से बेहतर खेल का प्रदर्शन किया वो आज फाइनल पंगे पे रहे इस समय। सुपर किंग कवर्धा और हरिकेन पैसन मुंगेली ऑल आउट खा गया, अंत में ऑल आउट पे दे बैठा शुभम निर्मलकर। इस समय स्टार के स्टार खिलाड़ी स्टार के कॉर्नर पर ही लगातार सबलिंग कर जाना, लंबा डाई सिद्धार्थ जी अपने आप को धैर्य को बना के रखा है, संयम बरत रहा है, यहाँ एक गलती एक चोट उस खिताब से हमें दूर कर जाएगा लेकिन अंत में इरादा बदला शुभम ने, दूसरे छोर पर गया, दो टच के लिए पैर चलाया, सफलता हाथ नहीं लगा, अपने आप को बैक खींचा। अजय मरावी निकले लेफ्ट हैंड के रेडर, दो लेफ्ट हैंड के रेडर की लड़ाई, हालांकि अजय को दो मरतबा और सफलता भी मिले, शुभम निर्मलकर को भी लगातार सफलता मिला जरूर, लेकिन अब वो बड़ा धीरे धीरे अपने ऊपर सजो रहा है, अब उसी बात
11 के मुकाबले इस समय बढ़त लेकर के चल रहा है कवर्धा किंग्स की टीम, और डाइव के साथ फिंगर टच का प्रयास जरूर रहा लेकिन फिंगर टच हुआ नहीं, आउट ऑफ बाउंड हुए इस समय रेडर को पॉली अंतर। मुंगेली 11 पर अजय कुमार लगातार इस स्टेप के ऊपर है, यहाँ मरावी जी इस समय रेड पर खेले गए। हाफ के पहले उन्हें दो रन में उन्होंने साबित कर दिया। आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए कबड्डी प्रीमियर लीग का ये नवा सेशन, आपका आशीर्वाद कबड्डी को हमेशा इसमें मिलता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, अंत में वो अपना अंक दे बैठे 18-12 के मुकाबले 6 अंक की बढ़त पर जा रहा है सुपर किंग का वर्धा। दूसरे हाफ में वो वापसी के दरवाजे ऐसा ना हो मुंगेली के लिए धीरे धीरे बंद होते चले जाए, लेकिन उसके लिए अभी भी 16 मिनट 28 सेकंड का खेल है। शुभम निर्मलकर जैसे दिग्गज रेडर होना उनके पास बिल्कुल ये कहा है, अभी भी वापसी के 7 दरवाजे खुले हुए हैं, 7 दरवाजे को अपनी 7 अंक की बढ़ा 7 नंबर का जर्सी शुभम निर्मलकर। इस समय शुभम निर्मलकर को चलना होगा पोर्टेज, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। 6 खिलाड़ी अब होने अवेलेबल है इस समय, और अजय मरावी के कॉर्नर इनके साथ में जोड़ी है, एक तरफा सबलेगा शुभम का, कहीं ऐसा ना हो कि शुभम का शिकार हो जाए, लेकिन कवर के टच का अंक सुनिश्चित किया बड़ी खूबसूरती के संग, एक अंक लिया भरपाई किया महत्वपूर्ण रूप से 19-13 के मुकाबले 6 अंकों की इस समय लीड लेकर के चल रही है। अजय कुमार का शिकार कहीं सुनिश्चित कर जाती है, एक अंक निकल करके जरूर आएंगे, लेकिन अजय कुमार चतुर चालाक खिलाड़ी में से एक है, और वो जानते हैं कि कब कहां से वो कमजोर कड़ी है उसको तोड़ करके निकलना है अजय कुमार वाला भी। अंत में वो काउंट डाउन शुरू है 30 सेकंड का, खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर इस समय राइट रेडर के साथ मुंगेली हरिकेन पैसन मुंगेली, और उस क्षण का जिस क्षण का इंतजार कर रहा है, क्या यहां से मौका बना पाएगा। डिफेंस इस समय कम है कोर्ट के ऊपर, और दो खिलाड़ी इस समय पवेलियन पर विश्राम कर रहे हैं, लेकिन दोनों उनके दो धारी तलवार इस समय कोर्ट के ऊपर है, गोविंदा सिदार उमेश सिंह सिदार और अजय मरावी, जहां नंबर 6 के जर्सी के साथ इस समय उमेश सिंह गोविंदा सिदार, और 7 खिलाड़ियों का झुंड इस समय कोर्ट के ऊपर है, दो दो के चैनबंदी के साथ। सुपर स्टार है कबड्डी के क्षेत्र में गोविंदा, और उन्हें बदौलत और अजय कुमार के उस सहयोग से आज छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग के पहले स्थान की लड़ाई लड़ी जा रही है दो टीमों के दरमियान। एक छोर पर हरिकेन पैसन मुंगेली, दूसरे छोर पर कवर्धा किंग की टीम। क्या दो अढ़ाई का इंतजार हो रहा है डिफेंस मुंगेली का, दो अढ़ाई का इंतजार खत्म हुआ, क्या रिजल्ट लेकर के यहाँ से डिफेंस लेकर के चलेगा, जिस तरह से वो इंतजार किया डुआ डाई का, क्या सफलता हाथ लगेगी डिफेंस को। आर्यन को कॉर्नर, टीम का राइट कॉर्नर रेडर के लेफ्ट कॉर्नर से वो चहल कदमी बनी, और हल्की डॉस के साथ में कवर को पीछे धकेला, दोनों फाइल पर गए, और दोनों फाइल पर जाने के साथ साथ अजय मरावी का शिकार सुनिश्चित कर लिया यहाँ से 19-14 के मुकाबले पोर्टे जी। डुआ डाई करें शुभम निर्मलकर, टच के अंक सुनिश्चित होंगे, बोनस ऑफ है इस समय शुभम के लिए, 4 डिफेंस से दो दो की चैन बंदी के साथ गोविंदा सिदार दूर कॉर्नर से, कॉर्नर इनके साथ में इस समय शुभम का शिकार सुनिश्चित कर लिया कोच के ऊपर, वो लेकर के चल रही है कवर्धा टीम कोच क्यों समझाइश इस समय कवर्धा टीम किस तरह से उस अंकों की लीड को बरकरार रखना है। दूसरी ओर वो लीड जहां लेकर के चल रही है कवर्धा किंग्स की टीम, तो हरिकेन पैसन मुंगेली किस तरह से उस अंकों की भरपाई करे ये रणनीति दूसरी ओर हरिकेन पैसन मुंगेली तैयार कर रही है। तो यहां गोविंदा तो अंकों के अंकुश लगाना थोड़ी सी मुश्किल है, मैं एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। आइए पोर्टे जी सब्स्टिट्यूशन हरिकेन पैसन मुंगेली प्लीज कम 11 आउट सॉरी 1 आउट 1 आउट 1
एक नंबर उसकी क्या खासियत है बिल्कुल देखने को मिलेगा। आइए जोरदार ताली बजाइए। फाइनल पंगा जहां 20-14 के मुकाबले 6 अंक से सुपर किंग कवर धा पा रहे अपने आप को, लेकिन अभी भी फाइट बैक क्या करेगा मुंगेली डिफेंस कर रही समय। गोविंदा सीधा रेड के ऊपर बिल्कुल 6 का डिफेंस और उसी डिफेंस पर डिफेंस चाहिए कि पकड़ मजबूत बनाया जाए, थोड़ी सी उतारेपन से बचा जाए। गोविंदा सिदार के द्वारा इसी की मैं बात कर रहा कि ज्यादा उतावलेपन पर नहीं आई है। अभी भी आपके पास 12 मिनट 22 सेकंड का खेल है और महज 8 अंक की बढ़त है जिसकी कभी भी भरपाई हो सकती है। सबसे बड़ा पंगा है जहां 1,00,000 रुपये राशि और चमचमाती ट्रॉफी की बात कही जाए। फिर एक बार भरा हुआ मैदान और इसी उतावलेपन से अब धरने का परिचय देना होगा। ऑफिशियल टाइम आउट अन्य और सबसे बड़े भारत का जो प्रीमियर लीग होता है कबड्डी लीग होता है उस लीग का वो हिस्सा भी रहा है जहाँ ये छत्तीसगढ़ का गर्वानी के ये करो 89 नहाले की गत वर्ष के चैंपियन टीम से करेगा किस तरीके से धैर्य को बढ़ा के रखेगा और कौन से उनके रेडर है। हालांकि शुभम निर्मल का अभी बाहर है, उनकी जितनी जल्दी रिवाइवल होगा उनके मुख्य कोच है नंबर की जर्सी पर 8 अंक की ओवरहत और 6 नंबर की जर्सी इस समय 4 का डिफेंस मैदान के ऊपर 2-2 की चैनबंदी घेराबंदी उमेश सिदार के लिए। लेकिन क्या इस चैनबंदी को जिस तरीके से पिछला रेड उनका रहा बिल्कुल तो सोने पर सुहागा साबित हुआ क्योंकि उनके दो खिलाड़ी अंदर भी आए और अंकों की बढ़त 2 अंकों ताबूत ठोकी वाली रेड। फिर एक बार 22-14 के मुकाबले विशाल इस समय राइट रेड है, थोड़ी सी डिफेंस को तकने के साथ ऑफिशियल टाइम आउट। जिस किसी सज्जन का ही पर्स घुमा होगा वो मंच पर आकर संपर्क करें, हमें एक पर्स प्राप्त हुआ है, जिस किसी का ही घुमा होगा मंच पर आकर प्राप्त करें। बाईस 15 एक अंक की भरपाई उस आउट ऑफ बाउंड रेडर के देखते हैं जिस तरीके से सिदार का संभव का इशारा। दूसरे अंक की भरपाई हो गया है 16-22 के मुकाबले 6 अंक की ही बढ़त रह गई है। हालांकि डिफेंस कम है मैदान के ऊपर लेकिन उसका फायदा लेना चाहिए। डिफेंस को जीरो की स्थिति में जाइए, धैर्य को बनाए के रखिए, जब कभी भी मौके आ पड़े तो बिल्कुल आड़े हाथ लीजिए उसको। अजय मरावी एक बार लेफ्ट हैंड किया है, थोड़ी सी उतावलेपन जरूर दिखाया लेकिन अपने आप को थोड़ी सी धैर्य के साथ बैक खींचा, अपने मैदान के ऊपर सुरक्षित खींचा। 6 का मैदान 6 का डिफेंस इस समय निर्मलकर के लिए। आइए राज जी शुभम निलवरकर इस समय और 6 का डिफेंस बोनस अवेलेबल है तो टच लिया क्या सफलता हाथ लगेगी तो बोनस प्लस टच का अंक सुनिश्चित होगा, मतलब 2 अंक इस रेड के ऊपर अपनी पहुंचा मुंगेली 18 पर। 22 और 18 के मुकाबले फासले अब कहीं जाकर के 4 अंकों का हो चला है। अजय कुमार मरावी लेफ्ट रेडर और राइट का टीम कॉर्नर जहां 6 खिलाड़ी इस समय मौजूद है, बोनस अवेलेबल है अजय कुमार के लिए और ड्राइव के साथ कवर को टोटा है, सॉरी फिंगर टच करने का प्रयास रहा है, अंत में बोनस कहेगा रन जरूर लिया लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी ये देखने वाली बात होगी। तो 22 और 18 के मुकाबले समय और शोभा निर्मलकर का भी अंदर गए जहां 5 का डिफेंस है कोर्ट के ऊपर कवर भाग गई शोभा का कैच छूट गया इस समय और शोभा का कैच छूटने के साथ एक भाई दिखा दो भाई इस समय सब्स्टिट्यूशन मैच औपचारिक रूप से आरंभ। कवर धा किंग्स प्रहार के ऊपर 22 और 19 के मुकाबले 22 और 19 के मुकाबले इस समय अजय मरावी है स्ट्रगल के ऊपर और बोनस का एक कदम जरूर लिया लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी। इरादा पक्का है अजय मरावी का, मैंने साफ सुथरे तरीके से बोनस का एक अटेम्प्ट लिया है
तो 22-29 के मुकाबले अब कहीं जाकर के उस अंकों के लेवल अंक तक करीब आ पहुंचे बोनस का अंक इस समय अजय मराबी के लिए कवर्धा किंग्स के लिए और हर्ष तंवर प्रहार के ऊपर नंबर एक के जर्सी के साथ जहां चार का डिफेंस है स्कॉटन की का प्रयास किया लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं कोसो दूर रहे रेहान तो 23 और 19 के मुकाबले अजय मराबी जहां 7 का हाउसफुल मैदान है अजय मराबी के लिए वोटर्स अवेलेबल है अजय कुमार और यहां से वो लगातार कहीं जाकर के अंक उन्होंने बटोरे हैं अपने टीम के लिए 23-19 के मुकाबले मतगढ़ वो अंक भी बटोर करके था हालांकि शुरुआत के क्षण में एक अच्छी रणनीति के साथ अंकों के लीड लेकर के चल रही थी मुंगेली लेकिन ऐसा पलटवार किया अब कहीं जाकर के थोड़ी से वो अपने आप को बैक फुट पर पा रही शुभम निर्मलकर की टीम अर्थात हरिकेन पैथन मुंगेली की टीम चार का ही डिफेंस रह गया है शुभम निर्मलकर है इस समय स्ट्रगल के ऊपर और शुभम जिस तरीके से जिस फुर्ती के साथ इस समय फुटवर्क कर रहे हैं इस मुकाबले में वो देखते ही बनता है सादर आमंत्रित है बहुत बड़ा मुकाबला हो चला है अब इसलिए कि 23-19 के मुकाबले बिल्कुल 3 अंक की बढ़त रह गई है और अजय का क्या शिकार छूट जाएगा अजय का शिकार सबसे बड़ा शिकार हो गया है कवर्धा क्या अलाउंड बचा पाएगी दुआ डाइवर थाने निर्मलकर जी है इस समय दुआ ढाई का रेड है हुटर की आवाज अर्थात सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के ऊपर होगा ये सब्स्टिट्यूट चाहिए मुंगेली को एक बोनस दे दीजिए बोनस छोड़ के रखिए आप और बोनस देने के साथ आप रेत के जरिए आलो ऊपर धकेलिए अब फिर एक बार अगर ऐसा ना हो ज्यादा उतावलेपन में ज्यादा थोड़ी सी आपस की ताल में न बैठा और वो काम किया मुंगेली के दिन में अंत में इरादा बदला अंदर गया समाप्त की बोला आप रही है पूछिए इस मैच में बचे हैं लेकिन रोमांच अंत तक और इस मैदान में उपस्थित जन समूह के रोम रोम तक और ये आस्था और भक्ति कहा जाएगी कबड्डी के प्रति जो इतनी जन समूह यहाँ पर उपस्थित हुई है और दिल की उसके मतलब इसके दोनों टीमें फाइनलिस्ट टीमें प्रदर्शन करती हुई कवर्धा जिन्होंने शुरुआत ने अपने साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे किया था और इस दफा पुनः बराबरी का मुकाबला 25-25 की स्थिति 5 मिनट से कुछ ही अधिक का समय शेष है और ये एक रूप किस करवट बैठेगा इसकी भविष्य वाणी करना मुश्किल ही नहीं वहां पर कभी नामुमकिन भी लगता हुआ अरे दोनों मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं उमेश और इस टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे सफल प्लेयर तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और अपना पूरा अनुभव रखते हुए इस प्रतियोगिता के इस अहम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है शुभम निर्मलकर कवर्धा के खेमे को लोग हारने गए हैं और पूरी तरह सफल होकर लौटते हुए एक अंक 26-26
मिनट 33 सेकेंड 26-26 की बराबरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और जिस स्थिति 11-11 की स्थिति झुक सकता है, परंतु ये अनुभवी व्यक्ति उमेश सिदार गोंडा इसके अनुभव पर बहुत कुछ निर्भर करेगी कवर्धा की जीत या हार। और ये संयोग देखिए, दोनों ही टीम के ऑनर जो है दोनों ही नवेली के रहवासी और सारा भाटो अभी एक एक ओर बैठे हुए, एक ओर वीरेंद्र यादव अपने पार्टनर शहीद खान के साथ बैठे हुए, दूसरी ओर कजिम्मा संभाले हुए हम कल्याण मरकाम, और उसी बीच शुभम निर्मलकर छह खिलाड़ियों के बीच राइट कॉर्नर पर अंक की जुगत में अभी तक सफलता उनको मिली नहीं है और बिना किसी अंक के वापस होंगे। उमेश सिदार गोंडा छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग के इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक, गोंडा सिदार सबसे अनुभवी, और मैं यू कहूं कि छत्तीसगढ़ी नहीं हो रहे ये मध्य भारत के सबसे अनुभवी विवेकशील खिलाड़ियों में से एक में इनकी गिनती की जाती है। परंतु अभी नवी जोश और उच्च स्तर के अनुभव इन दोनों के मध्य मुकाबला होता हुआ शुभम निर्मलकर राइट कॉर्नर पर एक तरफा बना बना कुशल खिलाड़ियों को हासिल कर लिया है आपके हमारे सामने। और ये रेफरी की विसी के साथ ही इस मैच का पुनः वापस होंगे और बॉलर्स के साथ वापस होंगे। गोंडा सिदार और ये सुपर टेकर की स्थिति में गए हैं। गोंडा सिदार अपने अनुभव को पूरी तरह झोंकना होगा इस मुकाबले में, यदि गोंडा सिदार को दूसरी बार कवर्धा सुपर किंग्स को चैंपियन बनाना है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा इस खिलाड़ी का। परंतु किसी एंड के वापस शुभारी निर्मल पर बेहतरीन मैच के बीच हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमर संकट का इशारा हो गया है बोनस के लिए सुपर रेल देखने को मिला था जय मरावी के द्वारा, उन्हीं के बाद चार सुपर से भी डूबा जाते टीम में मरावी जी के लिए गेंद देते हरी गेंद पैसन मुगेली के पास बढ़ा चली गई है और लालच बुरे बला जय मरावी के लिए सबसे वाली बार बार मन को कचोटेगा। माननीय अमरवाल जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे बीच आज के कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय। मैच समाप्ति के लिए अंतिम एक मिनट समय शेष, टाइम आउट ही इस समय क्रमांक पर है। लंबा अनुभव क्या काम कर जाएगा, हर
हार्दिक स्वागत। बोला छोड़ के रखा है सुपर किंग का ओर था, अंदर क्या जाना चाहेगा हेमंत साहू आक्रमण के ऊपर। मुंगेली के बीच चला गया, बहुत ही ताकत भरे इस मुकाबले में 3 अंकों